बनी है, रुकी पड़ी है, बनी है हमारी, हमारी बन 5 साल हो गए, 4-5 साल। हाँ यार, मैंने हो गया, नहीं आ रही पेंशन, नहीं आ रही है तो पेंशन लगी हुई है, पेंशन आपकी लगी हुई है? हाँ, पहले से आ रही थी, अब नहीं आ रही। पेंशन आया थी, दुकानदारों से उधार ले लिया है, उनसे बोल दिया है पेंशन आएगी तो दे देंगे, पेंशन आई नहीं तो दे कहाँ से दे। मांग है मेरी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने होने वाले पेंशन बंद गए, पेंशन मिल नहीं रही है। एक जो हमारा सहारा था, एक बेटा के बराबर सहारा दे रहा था मैं पेंशन, वो पेंशन वाले ने बंद करी केजरीवाल ने, और पेंशन बंद करी तो करी मैं टैंकर रहता था मेरे नाम से, रामवीर भदूड़ी के समय से ही वो टैंकर तक बंद कर दिया मेरे पानी का पीने के लिए। मुझे बहुत बड़ी परेशानी होती है हर तरह से ही, खाने की परेशानी, पानी पीने की परेशानी, बहुत बड़ी टेंशन दे रखी केजरीवाल ने मुझे। भैया मेरी भी पेंशन नहीं, 8-9 महीना हो गए, और राख राखी में बेटी आई ऐसे ही चली गई, बस मैं आऊं तो गिर जाऊं, मैं पैरालिस वैसे हो रही हूं, और बड़ी परेशान हूं बहुत ज्यादा। पेंशन नहीं आ रही जी? ना आ रही, नहीं आ रही, पेंशन भी नहीं आ रही, और पानी की बहुत दिक्कत है, पानी ना पीने को ना नहाने को कुछ नहीं, पानी की सबसे ज्यादा परेशान, पेंशन आ ही नहीं रही है, 8-9 महीने हो गए, क्या कर मुख्यमंत्री साहब काम कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता लग रहा है अभी, कोई काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ जी, अभी कोई काम ही नहीं हो रहा, जब पेंशन भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो दिक्कत तो है ना। आप लोग की क्या मांग? क्या मांग? हमारी ये पेंशन बननी चाहिए, पेंशन नहीं बनी हमारी, पेंशन बनवानी है। मुख्यमंत्री साहब कुछ काम कर रहे हैं, किया उन्होंने कुछ? कुछ नहीं किया साहब, क्या काम किया, पानी की परेशानी, सारी परेशानी है। तो कह रहे पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, सब कुछ है। हमारा पेपर जमा ना, पेंशन आ रही है, चोर है, चोर है, हमारी पेंशन 5 महीने से नहीं आई, लेकिन पैसे को परेशान है। हमारा पेपर जमा है, हमारे पेंशन नहीं आ रही है, 5-6 महीने आ गए। आप लोग 18 में मेरी पेंशन केजरीवाल सरकार ने काट दी, आज तक नहीं आई, आज तक अभी नहीं मिल रही है, और बंद दरवाजे। हाँ, पेंशन 18 में काट दी मेरी, वो अब तक आई ही नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। इस समय हम मौजूद हैं राजपथ नगर में, यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता नेता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बुजुर्गों की पेंशन को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। नमस्कार, आप NCR समाचार देख रहे हैं, नमस्कार, आप NCR समाचार देख रहे हैं, मैं हूँ सुमित। इस समय हम लोग मौजूद है राजपथ नगर, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीर, यहाँ पे प्रोटेस्ट की तस्वीर देखिए, किस तरह से हजारों की संख्या में लोग मौजूद है और पेंशन की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बुजुर्गों की पेंशन की मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, और साफ साफ कहना है लोगों का कि जो पेंशन है बुजुर्गों का, जो जिसकी है वो आ नहीं रही है, और जिसकी अभी लगी नहीं है वो लग नहीं रही है, और जिसकी लगी है उसकी टाइम से आ नहीं रही है, इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर, जिस तरह से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, उसको लेकर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, और भी कई ऐसे घोटाले हैं, शराब घोटाले के आरोप केजरीवाल सरकार पे लगे, उसको लेकर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, इस पर बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं सर, क्या मांगे आपकी? उन बुजुर्गों को बिजली बहुत महंगी हो गई है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट की तस्वीर। नमस्कार सर, सर क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है, तब से बुजुर्गों की पेंशन, वृद्धाओं की पेंशन बंद है। आप तो जेल में जाके बैठ गए हैं, लेकिन इन बुजुर्गों को पेंशन, जो उनका सहारा है पेंशन, जब तक वो पेंशन नहीं जारी करेंगे, दिल्ली प्रदेश भाजपा का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा रहेगा, और जब तक उनको पेंशन नहीं मिलेगी प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या लग रहा है कि उनका तो कहना है कि जो पैसे केंद्र सरकार से मिल नहीं रहे हैं, तो कैसे पेंशन लगेगी? दुनिया के अंदर अगर सबसे कोई झूठा व्यक्ति है, झूठी सरकार है, जिसको आज बच्चा बच्चा पहचान चुका है, वो है केजरीवाल और केजरीवाल का मंत्रिमंडल। हम सब लोग जानते हैं दिल्ली के लोगों से झूठ बोलना उसकी एक आदत बन गई है। आज विधवा जो माताएं बहनें पूछ रही है मेरी पेंशन कहाँ है,
बुजुर्ग पूछ रहे मेरी पेंशन कहाँ है, गरीब आदमी पूछ रहा है मेरा 5 साल से राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, मेरे बच्चों के राशन कार्ड में नाम क्यों नहीं बन रहे हैं। आज पूरी दुनिया में आयुष्मान योजना चल रही है, दिल्ली के लोगों का आखिर में कसूर क्या है, क्या कसूर है गरीब आदमी का जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है? उसके पीछे कारण है केजरीवाल और केजरीवाल की झूठी सरकार, जो दिल्ली के अंदर केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं उनको दिल्ली में लागू नहीं कर रहा है। पक्के मकान दुनिया में मिल रहे हैं, गरीब दिल्ली में लागू नहीं किया गया। तो ये सारी मांगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सरजवाल जी के नेतृत्व में हम संघर्ष कर रहे हैं। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, सब चीजों को लेकर के हमने मांग की है। अभी हमने देखा बिजली के बरसात के कारण से कितने लोगों की मौत हुई है दिल्ली के अंदर, आखिर में इसका दोषी कौन है? उनका तो कहना है कि ये सबके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, बीजेपी उनको काम ही नहीं करने दे रही। उनका सबका कहना आज दिल्ली की जनता ने पूछना शुरू कर दिया है। कल आतिशी गई थी और आतिशी को लोगों ने क्या कहा, आतिशी से लोगों ने कहा तुमने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, तुम दिल्ली को बर्बाद करने पे तुले हो, अब दिल्ली की जनता तुमको माफ करने वाली नहीं है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जिस काम को वो नहीं कर पाता उसके लिए कह देता है बीजेपी जिम्मेदार है, और जिस काम को कर लेता है उसका अपना क्रेडिट अपने ऊपर ले लेता है। तो इतना तो आप लोग भी समझ सकते हो कि वो क्या राजनीति करता है। तो नहीं, आखिर उनको जेल से बाहर भाई हम कोर्ट से बढ़ेंगे, उनको जेल से सुनो। केजरीवाल जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए, कोर्ट बहुत अच्छा है, जेल में केजरीवाल नहीं है, कई कोर्ट हम नहीं आने दे रहे, वाह। अरे ऐसे लोगों के बारे में आखिर में क्या कहोगे? दिल्ली हंस रही है इनके ऊपर, दिल्ली के लोग हंस रहे हैं इनके ऊपर। आने वाले समय में इनको दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाने को तैयार बैठी है। अभी 7 सीटें दिल्ली जीत के दिखाई है ना, सब लोग चोर मोसरे भाई मिल गए, और आगे ही मिलेंगे तो दिल्ली की जनता यही सबक सिखाएगी कि जो सातों के सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। मैं ये कह रहा था मुख्यमंत्री पहली बार जेल गया है, इस्तीफा क्यों नहीं दिया इसने? और 500 सारा बजट आता है उसका 526 करोड़, अपने पर्चे सुनो प्रचार निकालता है, बसों पीछे लगता है, अपना फोटो प्रधानमंत्री लगाता है, बुजुर्गों की पेंशन जो 4 महीने से बंद पड़ी है उसको नहीं बहाल कर रहा है, और 4 साल से ऊपर लोग पेंशन क्यों नहीं दे रहा है? दलाल है ये, चोर है, बेईमान है। उनका तो कहना है कि कुछ काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। अरे क्या करेगा, भगाओ साले को, इसी बात क्यों देता है? ऐसी स्थिति नहीं थी, आग लगा देंगे प्रॉपर, हम जला देंगे झाड़ू वालों को, मारेंगे, आराम से काम कर रहा है ये बात। अरे तो झूठ क्या बोलता है, तुम्हें पता है झूठ क्या बोलता हूँ? अरे उनके पास तो कोई मंत्रालय ही नहीं है, किसका मंत्रालय है? इस्तीफा क्यों देता है फिर? इस्तीफा मुख्यमंत्री कैसे सरकार चला रहे हैं, चला ले फिर, पैसा सारा बजट दे रहे सेंट्रल, छोड़ो सबको बजट मिलता नहीं मिलता है, इसको बजट नहीं मिल रहा है, कौन हमें मिल रहा है? मोदी जी दे ही नहीं रहे, तो भैया तू दे दे भाई, जाके मेरे भाई दे दे, वही तो कह रहे हैं मोदी जी नहीं दे रहे। तू कैसे यार, तुम्हारे पत्ते पागल है क्या, तुम्हें नहीं पता है तो पैसा बजट आ रहा है? अरे भाई बजट नहीं आ रहा कि मोदी जी उनको कह रहे हैं, चार दलाल है, बेईमान है, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, शराब पी के मर रहा है जेल में वो। ये प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि काफी लंबे समय से दिल्ली सरकार बुजुर्गों की पेंशन नहीं दे रही है। जो ये कहता था कि मैं देता नहीं हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, आज उस बेटे के राज में लोग अपनी पेंशन के लिए त्रस्त हैं और सड़कों पे उतर के आ गए। क्या लग रहा है, केजरीवाल जी काम कर रहे हैं जिस तरह से अगले साल चुनाव भी होना है? काम कहाँ कर रहे हैं, वो तो जेल के अंदर से सरकार चला रहे हैं। नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा देना चाहिए था, और जो काम होते हैं बाहर बैठ के होते हैं, जेल के अंदर से प्रशासन नहीं चलता है। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? कुछ काम दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, इवन पेंशन भी नहीं मिल पा रही है लोगों को। उनका तो कहना है पेंशन का मुद्दा जो है वो तो केंद्र सरकार का है, जब पैसे नहीं आएंगे तो पेंशन। आपको जानकारी नहीं है, ये सारा हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, पहले एमसीडी भी पेंशन देती थी और ये भी देती थी, तो उन्होंने कहा एक ही एजेंसी पेंशन को देगी, इसलिए दिल्ली सरकार को पेंशन देने के लिए कहा गया था। हाँ, उसके तहत हाई कोर्ट के ऑर्डर से पेंशन सारी दिल्ली गवर्नमेंट देती है।
पेंशन नहीं आ रहा है। पेंशन नहीं आ रही है। जिस तरह दिल्ली में जिस तरह से घोटाले हुए हैं, शराब घोटाले हुए हैं, केजरीवाल सरकार का कहना है कि शराब घोटाले तो बीजेपी करवाई है, हम लोगों को तो फंसाया गया है। नहीं, बीजेपी ने यह कहा था कि कमीशन को 12% से कटा के 2% पे कर दो, एक के साथ एक फ्री दो, बीजेपी ने कहा था। आप बताओ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आरोप तो यही लगा रहे हैं। नहीं, वो तो कुछ वो झूठे हैं, भ्रष्ट हैं, झूठ पे सरकार चल रही है। जो बोलते थे कि हम ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, वो कट्टर बेईमान हो चुके हैं, इसलिए जनता सड़कों के ऊपर आई है। अगले साल चुनाव है, निश्चित रूप से बुरी तरह हारेंगे, जनता जूते मार के भगाएगी इनको अगले साल। ठीक है, आप लोग लगातार देख रहे हैं, आप जिस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कराइए, कुछ और लोगों से मांग करते हैं। नमस्कार सर, क्या मांग है, किससे प्रोटेस्ट हो रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की मांग है कि जिस प्रकार के आम आदमी पार्टी झूठ बोलकर दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुई थी, वृद्धावस्था और विधवावस्था जो लगभग लंबे समय से उन्होंने बंद कर रखी, हम मांग करते हैं कि तुरंत उसको रिलीज करें और दिल्ली के बुजुर्गों को और विधवाओं को जो परेशानी हो रही है उससे निजात दिलाए। तो उनका तो कहना है कि पैसे जब केंद्र सरकार नहीं देगी, मोदी जी नहीं देंगे तो कैसे? निरंतर केंद्र की सरकार जितना पैसा दिल्ली सरकार को दिया जाता है उससे भी कहीं अधिक पैसा दिल्ली सरकार को देती है, लेकिन दिल्ली सरकार जो फ्री की राजनीति करने पर रेवड़ियां बांट देती है उन पर पैसा खर्च कर देती है, ना कि विधवाओं को और वृद्धाओं को पेंशन देती है। ठीक है, तो जिस तरह से लगातार लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं।